अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मुझे गलत समझते हैं, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो इतना ही समझते हैं जितनी इनकी समझ नहीं इन्हें इजाज़त देती है। जब उम्मत को बख्शने पे आता है तो तोहफे में रमज़ानुल मुबारक देता है। देखो, अल्लाह तुमसे बेहद मोहब्बत करता है, तुम देरी ना किया करो उसके मनाने में। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हुए सच्चा टूट जाता है। इश्क हकीकी हो या मजाजी, फकीरी अख्तियार करना सीखिए। और फकीर उसे कहते हैं जो एक ही दर का हो जाए। दर मांगने वाले को फकीर नहीं भिखारी कहते हैं। और जब वो तुम्हारी दुआओं पर राजी हो जाता है, ये उन्हें देखता है कि दुनिया की उस चीज़ पर मुतमिन है या नहीं, ना उसको इस बात का कोई फर्क पड़ता है कि इसकी कबूलियत में कितनी रुकावटें हैं। वो जब इरादा बांध लेता है तो नामुमकिन को सारी गिरे अपने आप खुल जाती हैं। हो सकता है अल्लाह की मदद आने वाली हो। इज्जत गैरत के नाम पर कत्ल करना नाजायज़ है। ये हक सिर्फ मर्दों को क्यों हक हासिल होता है? नए मुकाम को हासिल करने के लिए साबका मुकाम को छोड़ देना लाजमी होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बड़ा हया और शर्म वाला करीम है, इसे बात से शर्म आती है, क्योंकि इसका बंदा इसके सामने हाथ फैलाए और इसने खाली हाथ लुटा दिया।